जिले के शंभूगंज थाने क्षेत्र में युवक को अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया, बदले में युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। पूरी घटना के बाद पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर बांका एसडीपीओ बिपिन बिहारी के नेतृत्व में सिया भारती प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष शंभुगंज पुलिस आरक्षी निरीक्षक कुंदन कुमार राजीव कुमार मोहम्मद शहजाद निर्मल झा पंकज राय एवं पुलिस बल महिला एवं पुरुष की टीम गठित कर ललन सिंह के तहत 17 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार की खोजबीन होने लगी। पुलिस टीम के साथ जिला QRT एवं DIUT टीम के साथ स्वान दस्ता की टीम भी शामिल। सूचना संकलन तकनीकी अनुसंधान एवं स्वान दस्ता के सहयोग से घटनास्थल के पास पहुंचकर गहन छानबीन की गई है, जिसके उपरांत आयुष कुमार का शव गले कुशवाहा गांव में नागा टोला से पूरब खरा डाट में बरामद किया गया है। मृतक के परिजन से संपर्क करने पर पता चला कि मृतक का मृता कुमारी के साथ प्रेम संबंध था। मृता से मिलने आयुष उसके घर गया था और फिर उसके परिजनों के द्वारा देख लेने पर उसकी हत्या मारपीट कर दी गई है। साक्षी छुपाने के उद्देश्य से शव को नहर फेंक दिया गया था। इसमें शामिल अपराध कर्मी पकड़े जाने पर अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इस जघन्य अपराध में आयुष कुमार अमृता कुमारी दोनों पिता और अभी राम सिंह वंदना देवी पति अभिराम अंकित कुमार पिता आनंद सिंह मृत्युंजय सिंह पिता महेश सिंह उर्फ दरोगा सिंह मीनू कुमार पिता जय नंदन सिंह सभी ग्राम गुलनी कुशहा थाना शंभुगंज जिला बांका को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 अक्टूबर को सुबह में शंभुगंज थाना में यह सूचना मिली थी कि गुलनी गांव से एक लड़का जिसका नाम आयुष उर्फ किशन था, वह अपने घर से दिनांक 14 को की शाम से गायब था। जैसे यह सूचना मिली तुरंत जो है अपहरण का केस दर्ज करते हुए उसका अनुसंधान जो है थाना के द्वारा शुरू किया गया और अनुसंधानोपरांत दिनांक 16 को जो है जब थाना के द्वारा और हम लोगों की टीम पुलिस की टीम ने जब वहाँ पर गाँव में दबिश दी और फिर जो एक उसके आधार पर जो शक के आधार पर संदेह के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर अगले दिन दिनांक 17 अक्टूबर को सुबह में उस लड़के जो अपहृत व्यक्ति था किशन उर्फ आयुष उसकी लाश जो है गांव के बहियार से मिली थी। उसके बाद जो है लाश मिलने के बाद चूंकि मामला काफी गंभीर था तुरंत FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया था और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा जो है अच्छा कार्य करते हुए जो डॉग ने वहां से जो लड़के का चप्पल वहां पर बरामद हुआ था लड़के के चप्पल के आधार पर वहां से ये लेते हुए स्वान दस्ता के द्वारा जो है जो एक्यूट था जो संदेही व्यक्ति था उसके घर पर वो पहुंच गया। इसके आधार पर इसके अलावा जो है CBR के विश्लेषण और अन्य तकनीकी अनुसंधान और जो मैनुअल जो ये है गुप्तचरों का जो ये था इनपुट था उसके आधार पर जो है जिन लोगों को शक के आधार पर डिटेन किया गया था उन्हीं लोगों की संलिप्तता इसमें पाई गई थी और अनुसंधानोपरांत यह पाया गया कि जो मृतक व्यक्ति था आयुष उसका गांव की एक लड़की जिसका नाम अमृता था उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था और लगभग यह करीब 1 साल से उसका बातचीत जो है उसका लड़का और लड़की के बीच में चल रहा था और यह बात सामने आई कि दिनांक 14 की शाम में अमृता कुमारी के द्वारा जो लड़की थी उसके द्वारा जो है आयुष को फोन करके उसको बुलाया गया बुलाई थी अपने घर के पास और दोनों जो है आपस में जो भी ये मिल रहे थे उसी दौरान जो है लड़की का भाई और उसके दोस्तों के द्वारा उसे देख लिया गया और उसी क्रम में जो है उसको पकड़ करके वो लोग जो है मारपीट किया और मारपीट के दौरान जो उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद जो है इन लोगों के द्वारा जो है डर से अपने घर के पास जो पुआल का ढेर था उसमें लाश को छुपा दिया और लगभग और पुलिस के दबिश के चलते जो है वो उसे निकाल नहीं पा रहा था वो उसे ठिकाने वो लोग जो है उसके ठिकाने लगाने की फेर में था लेकिन इसी दौरान जो है पुलिस के द्वारा उसे शक के आधार पर डिटेन किया गया था इस वजह से वो उसको ठिकाने नहीं लगा पाया और परिवार के अन्य लोगों के द्वारा जो है लाश को 16 की रात में बहियार में फेंक दिया गया था। तो इस प्रकार जो है कुल फिर इस बाद में जब गहराई से पूछताछ हुआ तो इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए सारी घटना का जिक्र किया और कुल मिलाकर के जो है डॉग स्क्वाड की टीम और CDR का विश्लेषण और जो इन लोगों का जो बयान है उसके आधार पर जो है कुल 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। कुल 10 लोगों का नाम इसमें आया है जिसमें 4 लोग अभी फरार हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है जिसमें लड़की अमृता कुमारी लड़की की माँ वंदना कुमारी लड़की का भाई आयुष कुमार और उसका चचेरा भाई और अगल बगल का जो लड़का है अंकित मृत्युंजय और मीनू कुमारी 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी फिलहाल हुई है और बाकी की गिरफ्तारी चल रही है। तो जितने को भी गिरफ्तार किया गया वो सभी के कम उम्र के हैं? नहीं सभी कम उम्र के नहीं है लेकिन लड़की और जो मृतक स्वयं एक माइनर लड़का था जो लड़की है वो भी माइनर है
और बाकी सभी मेजर है, बाकी सभी 18 से ऊपर। सभी का सर अपराधी के इतिहास क्या है? नहीं, फिलहाल अपराधी के इतिहास नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम प्रसंग के मामले में तो ऑनर किलिंग का ये मामला है और उसी में जो है इसकी हत्या की गई। तो ये लड़का कहाँ का था रहने वाला? इसमें तो दो लड़के होंगे सर। ये लड़का तारापुर थाना क्षेत्र के जमुआ सुपौल जमुआ गांव का था, और ये अपने नानी घर में रहता था। यहाँ गुलनी कुशा में उसका नानी घर था।